शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुरेंद्र, क्या हो रहा है ये? इतनी खूबसूरत जवान बेटी को बगल में रख के एक जवान लड़के से पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है? कमीज बेहया, गाली नहीं देना, गाली देना मुझको भी आता है। तू मुझे गाली देगा? सुरेन, मुझे हाथ लगाया ना तो पेट फाड़ दूंगा तेरा। बदतमीज, तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? पहले फैसला तो होने दे कि मेरा बाप है कौन। बड़ा नाश था ना तुम्हें इस पर, अपनी आंखों का तारा समझती थी इसे। ये अपनी औलाद नहीं है, उस फटीचर मेजर की औलाद। अरे हाँ, मैं उस मेजर की औलाद हूँ और तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। क्या मैं भी तेरी कुछ नहीं लगती? नहीं, तुम भी मेरी कुछ नहीं लगती। तुमने मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मौका लगा तो उसी कीमत में तुम्हें चुका दूंगा। वाह बेटे वाह, जिसे मैं अनमोल कहती रही वही मेरे प्यार का मोल लगा रहा है। तुम दोनों को एक जैसा प्यार दिया मैंने, कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों में। वो तो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम्हारा असली बेटा कौन सा है। और उसी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फटीचर मेजर को बर्दाश्त करता रहा। आज के बाद तुम या वो फटीचर मेजर मेरे घर में नजर आए तो मैं गोली मार दूंगा। क्या यार, माँ को भी आज ही सत्यनारायण की पूजा में जाना था यार। सारी मेहनत और किए कराए पे पानी फिर गया। क्या सुरेन को मुझसे कुछ कहना था। नहीं। किरण को मां की नजरों से गिराने के लिए अब एक नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी, मां उसे इस घर की बहू बनाना चाहती है। पर हमारी माँ को क्या पता कि जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती है वही हमें अपनी माँ से अलग करके हमारे दिलों का बंटवारा करना चाहती है। लेकिन किरण ये नहीं जानती है कि जिस दिल में हमने उसको अपना सच्चा दोस्त बनाकर बिठाया है हम उसी दिल में उसके लिए नफरत भी पैदा कर सकते हैं। सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बिना चुपके से घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? बोलो बेटी। अंकल, आपकी शिक्षा पर अमल करके मैंने उनके दिलों में झांक कर देखा। वाकई क्या महान दिल है उनके। मैं उनके बहुत करीब पहुंच भी गई थी लेकिन मेरी बदकिस्मती, तब तक उन्हें पता चल गया कि मैं इस घर में क्या करने आई थी। हालांकि मैं वो काम भूल भी चुकी थी अंकल, बट इट्स माय लक। तब तक उनके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई, ऐसी नफरत जिसका मैं ना बेटे, बस बस बेटे। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं बेटा, नहीं, मुझे जाने दीजिए। ना, ना बेटा नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटा, मुझे मत रोकिए, आपको मेरी कसम,
ये ले। थैंक्स। सुबह नाश्ते से पहले एक एपेक शराब हो जाए बच्चों, मतलब रात की उतर चुकी होगी ना, तो सुरूर को बरकरार रखने के लिए अगर एक एक पैक हो जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। डैडी, आप अपने बेटों से शराब पीने के लिए कह रहे हैं? क्यों नहीं, जब मेरे बेटे एक भोली भाली मासूम लड़की को अपनी माँ की नजरों में गिराने के लिए शराब पिला सकते हैं, तो क्या ये बाप अपने बेटों को एक एक पैक शराब नहीं पिला सकता? मामूली बात है भाई। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इन दोनों ने किरण को शराब पिलाई? हाँ बहन जी, हमारे इन सपूतों ने किरण को शराब पिलाई और वो उसका दिल टूट गया, वो ये घर छोड़ के चली गई। क्या, क्यों रे, ये क्या हरकत की तुम दोनों ने? क्यों शराब पिलाई उसको? एक मिनट बहन जी, ये सवाल इनसे पूछने से पहले आप यही सवाल अपने पति देव से पूछिए, इनको सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम? पहले तो भूस में चिंगारी फेंक दिया, जब आग लग गई तो दूर से खड़ो के तमाशा देख रहे हैं। किरण को इस घर में कौन लाया? आप ना? उसे ये मालूम करवाने के लिए कि इन दोनों में से आपका बेटा कौन सा और मेरा बेटा कौन सा है? हैं? चुपके चुपके इतनी बड़ी चाल चली आपने, मेरी ममता के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया आपने, मेरे प्यार का बंटवारा करना चाहते थे आप? आप तो सारी जिंदगी भर चिटपट करते रहे और मैं पागलों से मजाक समझती रही। एक बात सुनिए, ये दोनों बेटे मेरी दो आंखें हैं, इनको मेरे चेहरे से जुदा करना चाहते आप? चेहरे से आंखें जुदा हो सकती हैं, लेकिन एक मां के मन से उसकी ममता कभी जुदा नहीं हो सकती। कभी एक बार ये तो सोच लेते कि इस बात का तुम्हारे बीवी को पता चलता तो उसके दिल पर क्या बीतती, कभी सोचा आपने? सोचा है, पिछले 20 साल से सोच रहा हूं, लेकिन तुमने कभी सोचा कि पिछले 20 साल से मेरे मन पर क्या बीत रही है? दूसरों के औलाद को सीने से लगाने से वो अपनी नहीं हो जाती, किसी दूसरे के शरीर का हिस्सा अपने शरीर को जोड़ने से वो हिस्सा अपने शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता, वो सिर्फ कपड़ों की तरह अपने शरीर से चिपका हुआ रहता है। औलाद अगर घर से दूर भी होती है तो मन को ये तसल्ली होती है कि एक न एक दिन वो जरूर घर आएगी, मैं जी भर कर उसे देखूंगा, बेटा कहकर सीने से लगाऊंगा। मगर यहाँ 20 साल से औलाद घर में है और मुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी है, किसको मैं बेटा कहकर सीने से लगाऊं? कब तक मैं दुनिया से नजरें छिपाता फिरूं? अब मुझे हर एक की नजर में सुबह शाम सिर्फ यही सवाल नजर आता है कि मिल गया तुम्हारा बेटा, और अब मेरी नजर में उनको जवाब देने की और उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस। एक मिनट भाई साहब, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास, इन तमाम बातों का एक तरीका है और ये 20 साल की झंझट आज खत्म कर देते हैं, बल्कि अभी खत्म कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से किसी एक के सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि ये आपका बेटा है, किसी एक को बेटा मान लीजिए और दूसरे को मैं यहां से लेकर चला जाता हूं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? बस बहन जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही, ऐसी बात उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी, और जब बात हुई है तो फैसला हो ही जाना चाहिए। आपकी शर्त है ना कि आपको अपना ही बेटा चाहिए? जी हाँ। तो ले लीजिए बेटा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी एक शर्त है, बेटों के बंटवारे के साथ साथ आपको एक चीज का और बंटवारा करना होगा। किसका बंटवारा? इस हवेली का, दौलत का, जायदाद का, हर चीज का बंटवारा। अच्छा, सुना तुमने? सुना सुमन, ये मेजर क्या कह रहा है? आखिर गद्दार की आरजू उसके जुबा पर आ ही गई, ये मेजर पिछले 20 साल से इस घर में अपने बेटे के लिए नहीं बैठा है, बल्कि ये हवेली, ये जायदाद, ये दौलत हड़प करने के लिए चोर की तरह घुसा हुआ है। आगे एक शब्द नहीं बोलोगे तुम? अरे तुम्हारी दौलत तुमको सलामत हो, मैं सारी जिंदगी गरीब था, भिखारी था, भिखारी रहूंगा, जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम्हारी दौलत लेकर क्या करूंगा? फिर बंटवारे की बात क्यों कर रहे हो? आ रहा हूं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, इन दोनों बेटों में से बंटवारा करने के बाद एक बेटा तुम लोगे और एक बेटा मुझे दोगे,
दोगे ना? और अगर कल तुम्हें पता चले कि जो बेटा तुमने मेरे हवाले किया वो मेरा नहीं है बल्कि वो तुम्हारा है, तब बर्दाश्त होगा तुमसे? तुमको ये पता चले कि वो भिखारी की कुटिया में गरीब की जिंदगी गुजार रहा है, क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा भले मेरे साथ रहे लेकिन एक बड़े बाप की औलाद बनकर रहे, एक इज्जतदार बाप की औलाद बनकर रहे, एक गरीब बाप की भिखारी औलाद बनकर न रहे। इसीलिए मैं बंटवारे की बात कर रहा था। भाई साहब भगवान से प्रार्थना कीजिए ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए कि मैं जीते जी अपने बच्चों से जुदा हो जाऊं। मैं तो एक बाप होकर, एक मर्द होकर इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो मां हैं, आपने इन बच्चों को दूध पिलाकर इनको बड़ा किया है, आप इनकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? लेकिन सबसे पहले इन दोनों को सजा तो देनी पड़ेगी। इधर आप, ये किसका आइडिया था किरण को शराब पिलाकर बहन जी की नजरों में गिराने का? डैडी ये मेरा आइडिया था। तो जाओ अभी जाकर किरण से माफी मांगो और जब तक वो माफ ना करे मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जाओ। लेकिन पहले मैं माँ से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि किरण के साथ साथ मैंने माँ का भी बहुत दिल दुखाया। माँ मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूं मैंने बहुत दुख दिया है तुझे। देख मैं अपने कानों को हाथ लगा के तुझसे क्षमा मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। भाई खबरदार उसे रोका दो। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, आप खामखा सिर्फ उस पे चिल्ला रहे हैं। बकवास कर रहा है तू, जितना कसूर उसका उतना कसूर मेरा भी है। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? आपने बताने का मौका कहां दिया, बस चिल्लाया जा रहा है उस पे। ठीक है वो माफी मांग कर आ जाए तो फिर तू भी जाकर किरण के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगना। चलो किरण। कहाँ? घर माँ के पास। देखो सुरे मैं उस घर से बिना बोले चली आई थी, अब मैं उस घर में तब कदम रखूंगी जब तुम मुझे डोली में बिठाकर दुल्हन के रूप में ले जाओगे। ओके आई लव यू। अरे बाबा ऐसा नहीं, थोड़ा स्टाइल से खड़ा रहे हो ने, फूल को ऐसा रखो ऐसा स्टाइल से खड़ा रहे हो। तुमको मालूम है प्यार और फोटोग्राफी दोनों अंधेरे में डेवलप होता है, कुछ समझ में आया? अच्छा मैं बाद में समझाएगा नहीं, थोड़ा स्माइल रखो बाकी मैं संभाल लेगा। अरे ऐसा गंदा स्माइल नहीं बाबा, थोड़ा प्यार से स्माइल दो ना। हाँ करेक्ट है, थोड़ा ऐसा 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 खड़ा रहो। अरे किधर गई तुम? अरे छोकरी किधर भी गायब हो जाती है। अरे अरे ये लोग बीच में किधर से आ गए? अच्छा वो आज के दिन मेरे को नमस्ते अंकल नहीं बोला। भाई किरण को नहीं ला पाएगा, इतनी देर हो गई और किरण भाई के साथ आएगी नहीं। माँ मैं जाता हूँ और मिनटों में उसको लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी भाई के साथ वो नहीं आएगी और तेरे साथ आएगी, वो कैसे? माँ हमारी स्टाइल ही कुछ और है, हमारी बात ही कुछ स्पेशल है, हमारा समझाने का तरीका ही कुछ और है। अच्छा ऐसी कौन सी स्टाइल है तेरी, ऐसी कौन सी स्पेशल बात है तेरे अंदर बता? तू कुछ छुपा रहा है? पकड़ लिया ना। माँ मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। माँ मैं किरण से प्यार करता हूँ। सच? तू सचमुच किरण से प्यार करता है? पहली बार मैंने किसी लड़की से इतना प्यार किया। तेरी कसम माँ मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ और इसी प्यार की भाषा से उसे समझाऊंगा और वापस ले आऊंगा। अब मैं यूं गया और यूं समझा के वापस लाया। अब मैं जाऊं? जा। ये ले लो भाई आ गया। मैंने बोला था ना किरण इसके साथ नहीं आएगी, देखा? क्यों अभी देखो कैसे मुंह लटका के खड़ा हुआ है। हम बुलाएं और बुलाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर किरण विरण हमारे सामने की चीज है, मैंने उसको झट से बोला वो फट से मान गई। अच्छा और क्या। अबे बुद्धू जब मैंने तेरा नाम लिया तो वो मानी? माँ मैंने किरण को मनाने की इतनी कोशिश की लेकिन नहीं, वो मैं तो अब उस घर में तभी कदम रखूंगी जब जब
नरेन मुझे मनाने के लिए आएगा। मैंने कहा वाह बेटा नरेन, तुमने तो अच्छे खासे किरण पे जादू चला के रख दिया, मैं बहुत बदमाश हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पर वो सब क्या, और तूने माँ को क्यों नहीं बताया? नहीं, माँ तो तेरी सहेली है, तेरी दोस्त है, तू माँ से कुछ नहीं छुपाता। नॉनसेंस पर्सन। लेकिन किरण की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भाई? पागल इतना उतावला मत हो, वो तुझसे कोई खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रही है। माँ किरण का कहना है कि वो उस घर में तभी आएगी जब उल्लू का पट्टा उसको दुल्हन बना के लेकर आएगा। क्यों रे, शादी करेगा उससे? करेगा शादी? हाँ करेगा। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे घर को बस रोशनी से चकाचौंध कर दो, दिए जलाओ, मिठाइयां बांटो, सारे शहर को बता दो कि आज मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। ए भाई गले तो लग जा मेरे भाई, आजा आजा आजा। ओह गॉड, भाई यू आर ग्रेट, भाई यू आर ग्रेट। अभी कौन ए भाई, भाई चाबी देना यार, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। तेरा जरूरी काम क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किरण से मिलने जा रहा है ना तू? मालूम है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है। चाबी दे। अरे ए भाई चाबी देना यार, चाबी। इस चाबी के लिए मैं तुझे वैसे ही तरसाऊंगा जैसे तूने मुझे तरसाया था अपने प्यार के बारे में बताने के लिए, याद है ना? सुन सुन सुन, देख मैंने तुझे बताने की कोशिश की, अब तू सो गया तो मेरी क्या गलती है? ले चाबी दे। रात को सोया था लेकिन सुबह तो उठ गया था ना, सुबह बोलता मुझे। यार गलती हो गई यार, माफ कर दे, ले चाबी दे। अच्छा तो तू अपनी गलती मानता है? हाँ मानता हूँ। तो फिर अपनी सजा भी सुन ले, शादी से पहले ना तो आप किरण से मिलेंगे और ना ही किरण आपसे। क्यों 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 क्यों? हाँ वो इसलिए क्योंकि किरण भी इस पूरे चक्कर में बराबरी की हिस्सेदार है, और मैं उससे भी बात कर चुका हूँ और वो मान भी गई है। क्या महेश भाभी एक साथ अचानक? तो क्या करें, आप अपने दिल की बात तो कहेंगे नहीं, इसलिए हमें ही पहल करनी पड़ी। भाई साहब हम किरण बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। सच? तुम शराब पी रहे हो? कभी कभी दिल की बात को जुबां पे लाने के लिए शराब का सहारा तो लेना ही पड़ता ना किरण। क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम्हें अचानक शराब का सहारा लेना पड़ा? I love you, किरण। महेश, यार ये तो बताया ही नहीं कि किस लड़के के साथ? नरेन के साथ। आउच! ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार कर रहा हूँ। आज सारी हदें बुला के एक दूसरे में खो जाते किरण। मुझे रोको मत किरण। ये प्यार नहीं, वासना है सुरेन। मैं तो उस प्यार को मानता हूँ किरण, जो बगैर किसी आग के, बगैर किसी बंधन के और बगैर किसी फेरों के होता है, जैसा कि आज तुम्हारे और मेरे बीच में होने वाला। पागल हो गए तुम? अगर तुम इसे पागलपन कहती हो तो पागल ही सही। मेरे यार के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी है, सारा शहर देखता रह जाएगा। बेटी, क्या बात है, क्या हुआ? डैडी, सुरेंद्र क्या हो रहा है ये? इतनी खूबसूरत जवान बेटी को बगल में रख के एक जवान लड़के से पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है? कमीज बेहया। गाली नहीं देना, गाली देना मुझको भी आता है। तू मुझे गाली देगा? सुरेंद्र मुझे हाथ लगाया ना तो पेट फाड़ दूंगा तेरा। बदतमीज, तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? पहले फैसला तो होने दे कि मेरा बाप है कौन। बड़ा नाश था ना तुम्हें इस पर,
अपनी आंखों का तारा समझती थी इसे। ये अपनी औलाद नहीं है, उस फटीचर मेजर की औलाद है। हाँ, मैं उस मेजर की औलाद हूँ और तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। क्या मैं भी तेरी कुछ नहीं लगती? नहीं, तुम भी मेरी कुछ नहीं लगती। तुमने मुझे प्यार दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मौका लगा तो उसी कीमत में तुम्हें चुका दूंगा। वाह बेटे वाह, जिसे मैं अनमोल कहती रही वही मेरे प्यार का मोल लगा रहा है। तुम दोनों को एक जैसा प्यार दिया मैंने, कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों में। वो तो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम्हारा असली बेटा कौन सा है। और उसी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फटीचर मेजर को बर्दाश्त करता रहा। आज के बाद तुम या वो फटीचर मेजर मेरे घर में नजर आए तो मैं गोली मार दूंगा। गेट आउट। अरे सुरेश, सुना नहीं वो बुड्ढा क्या कह रहा है? बंद करो ये प्यार का नाटक। और तू भी अपना नाटक बंद कर, ये सब दुनियादारी की बातें छोड़ो और मेरे साथ आजा, ऐश करेंगे। I hate you. अरे ये सब ढोंग है, असलियत तो ये है कि तू मुझ पे मरती है, मरती है तो मुझ पे। अगर मैं यहाँ से गया ना तो सारे बंधन तोड़ के भागी भागी आएगी तू मेरे पीछे। देखना चाहते हो? क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी? मैंने नरेन के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया है। ये तुम्हारी गलतफहमी और हर बेहुदा सवाल का जवाब है। तो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। सुनिए, घर में कदम रखने से पहले आप एक मिनट मेरे साथ चलिए। देवी माँ के सामने आप मुझे एक वचन दीजिए, आज जो भी कुछ हुआ उसका जिक्र आप नरेन से नहीं करेंगे। वो सुरेन से बहुत प्यार करता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नरेंद्र के दिल में सुरेंद्र के लिए जो प्यार है वो नफरत में नहीं बदलना चाहिए। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं नरेन से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम भी एक वादा करो, आज के बाद सुरेन नाम का चिराग इस घर में नहीं जलेगा। क्या?